ओके, तो मैंने बताया था कि मैं करूंगा कि गोलियां मारे, ये बुलेट्स मारे प्लेयर को, है ना। तो प्लेयर की थोड़ा असर हो, मतलब और एनिमी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल रहे हैं। ये हमारा थर्ड वीडियो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एनिमी के। चलो तो एक स्प्राइट बनाते हैं। स्प्राइट कैसे बनाते हैं? स्प्राइट के साथ आप फैमिलियर हो चुके होंगे अभी तक के, तो इस लेयर पे, यस इस लेयर पे इसका कलर कलर बहुत ब्लू रेड हो गया। चलो येलो रखें, येलो कलर की गोली, है ना। अब ये बॉक्स में गोली मज़ा नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट इसकी जगह मैं बताया था कि आप लोग असली ऐसे एक स्प्राइट बना हुआ कैसे डाल सकते हो इसके जगह, है ना। अभी मैं सिर्फ समझाने के पर्पज़ से इसको ऐसा रख रहा हूँ, है ना। एक्चुअल में ऐसा गोली ऐसी गोली नहीं होती है ना। होती है क्या ऐसी गोली? नहीं होती है ना, ठीक है। तो ये येलो अभी देख रहे हैं ना, है ना। अब इसमें ना हम लोग को, चलो देखते हैं कैसा बनाएंगे, ठीक है। एड इवेंट नहीं, एड इवेंट नहीं, मैं चाहता हूँ उसका लाइन ऑफ साइट हो तब गोली चले ना। तो इसकी के अंदर हम लोग को सब इवेंट डालना पड़ेगा, है ना, सब इवेंट। और मैं कुछ टाइम दे देता हूँ कि इस इंटरवल में की हो, तो इसके क्या एवरी एक्स सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है ना, टाइम में जाओगे तो एवरी एक्स सेकेंड कितने सेकेंड में, चलो अज्यूम कर लेते हैं मे बी 2 सेकेंड, है ना। 2 सेकेंड में लाइन ऑफ साइट इसके प्लेयर की तरफ होगा और 2 सेकेंड में कुछ होगा, बुलेट फायर होगी। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि बुलेट फायर कहाँ से होगी ये देखना पड़ेगा। तो वो बुलेट फायर होगी एनिमी से, है ना, एनिमी से बुलेट फायर होगी। अब ये कैसे बताएंगे हमको? इससे रुक जाओ, स्पॉन अनदर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि बुलेट फायर एनिमी से होगी, है ना। तो स्प्राइट देखते हैं, सेट एनिमी स्पॉन दिस स्प्राइट ऑन लेयर। अच्छा, इसमें इमेज पॉइंट है, इमेज पॉइंट है ना, इमेज पॉइंट 0 है। मैं अब यहाँ पे रोल आएगा इमेज पॉइंट का समझाने का, अब मैं बताऊँगा इमेज पॉइंट का रोल क्या है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्पॉन। अब एनिमी के अंदर से गोलियाँ निकलेगी, बट हम उसको बताना पड़ेगा हम लोग को इस स्प्राइट को। चलो पहले तो इसका नाम बुलेट रख दूँ मैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाऊँगा मैं कि ये एक्चुअल में एक बुलेट है, मेरे को उसको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, इसको क्लिक किए करेंगे और इसमें एक बिहेवियर ऐड करेंगे जिसका कि नाम होगा, क्या होगा इसमें, बुलेट करके, है ना भाई, बुलेट, है ना। और दूसरी एक प्रॉपर्टी डाल देते हैं कि बुलेट जब स्क्रीन के साइड आउटसाइड जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना, नहीं तो मेमोरी कंज्यूम होता है। एक गुड प्रैक्टिस है ऐसा करना, है ना, जरूरी नहीं है, गुड प्रैक्टिस है। अब इनिशियली ये मैं नहीं चाहूँगा कि जैसे ही लेयर ये स्टार्ट हो और ये बुलेट ऐसे अपने आप चलते जाए, है ना। तो ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इनिशियल स्टेट इसका अनेबल है तो मैं इसको कर देता हूँ डिसेबल। डिसेबल आप बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मैं हर एक चीज़ प्रीव्यू करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ नेसेसरी चीज़ प्रीव्यू करके बताऊंगा ना। अब एनिमी का सेट बुलेट हो गया, 2 सेकंड में स्पॉन तो निकल तो जाएगा एनिमी के से, बट अब निकलेगा किस तरफ, निकलेगा कहाँ निकलेगा वो बताना पड़ेगा। इससे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि बुलेट में जाएंगे और उसका मोशन जो है अनेबल करना पड़ेगा, डिसेबल है ना इनिशियली। तो ये देखो सेट अनेबल, अनेबल कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा अनेबल। अब बुलेट फायर होने के लिए रेडी है किस, है ना। अब बताना पड़ेगा फायर तो होगा, किसके तरफ फायर हो, है ना। अब उसके लिए हम लोग एंगल दे सकते हैं, 180 डिग्री राइट की तरफ जाए, लेफ्ट की तरफ जाए, पर हम लोग एंगल ना देके प्लेयर की पोजीशन दे देंगे, है ना, कि बुलेट, है ना, बुलेट अब सेट एंगल टुवर्ड पोजीशन, रोटेट टुवर्ड सेट टुवर्ड्स पोजीशन से हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब प्लेयर का कंट्रोल करना है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि प्लेयर का पोजीशन कैसे कंट्रोल करते हैं, प्लेयर की एक्स के तरफ और प्लेयर का डॉट वाई के तरफ। इट्स इजी ना, सुपर इजी है। अब देखो एवरी 2 सेकेंड पे ये एनिमी के अंदर से निकलेगा बुलेट, उसको बताने के लिए कि ये बुलेट है मैंने बुलेट बिहेवियर दिया और अनेबल किया, इनिशियली वो डिसेबल था और उसका एंगल सेट कर दिया। अब एक बार देखो प्रीव्यू करके देखते हैं ना कि क्या किया मैंने, समझने के लिए बेटा ये सब वीडियोस ऐसे हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे और हिंदी में तो खास करके नहीं मिलेंगे। सीख सकते हो, यूट्यूब में बहुत सारे इंग्लिश में वीडियोस हैं, तो मैंने सोचा एक ट्यूटोरियल बना दे हिंदी में मेरे इंडियंस भाइयों के लिए। चलो देखें फायर हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, हो हुआ 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 2 सेकंड नहीं, अच्छा प्रोसेसर स्लो होगा ना इसलिए नहीं हो रहा है। मार और मार मार मार, ये देखो तो ये पोजीशन की तरफ, अब भले ही प्लेयर हवा में हो तो उसी के पोजीशन की तरफ ये पॉइंट करेगा, है ना, ये देखो, है ना, प्लेयर के पोजीशन की तरफ। प्रोसेसर स्लो है इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन दिख नहीं पा रही है, बट प्लेयर की तरफ ही फायर कर रहा है ना।
अब देखो यहाँ पे दिख रहा है येलो कलर का, इनिशियली ये ना दिखे तो यहाँ पे यूज होता है मार्जिन, जो मैंने इनिशियली एकदम वीडियो में बताया था, लेआउट का एक वीडियो आप लोग देख लेना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो आप लोगों के। तो देखो अब यहाँ पे यूज होता है मार्जिन, मैं चाहता हूँ इसकी कॉपी रखना, तो मैं इसको यहाँ इस ग्रे एरिया पर रख दूंगा, है ना। तो मार्जिन मैंने बताया था कि कॉपी रखने के लिए काम आता है, चलो यहाँ पे रख देते हैं, है ना बताया था ना। तो अब मैं इससे मज़ा नहीं, इसकी अब साइज़ देखो, ऑब्वियसली प्लेयर ये जो गोलियां हैं ऐसे येलो कलर की नहीं होती हैं, थोड़ी रहती हैं अच्छे रहती हैं कलर की, है ना। ड्रॉ भी कर सकते हैं, कुछ कुछ ड्रॉ कर सकते हैं ना भाई, नहीं हो रहा है ड्रॉ। अच्छा येलो में येलो कहाँ से ड्रॉ होगा, है ना, ड्रॉ कर सकते हैं। बट ये सबसे अच्छा है कि अगर आपको फोटोशॉप स्किल्स हो तो स्प्राइट बना सकते हो, ना तो नेट से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। मैं ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ गोली कैसी दिखेगी मेरी इसके बाद, ऐसा करने के बाद एक्सपेरिमेंट्स ही करना है। कंस्ट्रक्ट टू मैक्स पे जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना कंस्ट्रक्ट टू के स्किल्स मास्टर होंगे और बहुत इजीली गेम्स बना सकोगे। मैंने गेम्स बनाए हैं, मेरे को बहुत टाइम हो गया कंस्ट्रक्ट टू यूज़ किए हुए, मैं अभी वेब डेवलपमेंट पे चले गया हूँ। तो यस देखें कैसा लगता है आप गोली भाई, चल ना फायर करना यार, 2 सेकंड साला ज़्यादा। देखो ऐसी अब ऐसा ऐसा हो सकता है कि ये जो गोली मार रहे हैं ना इसमें भी एनिमेशन हो सकता है ना। तो अब उतना सब तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि अननेसेसरी चीज़ें हो जाएंगी ये, है ना। वो सब आप लोग खुद से कर सकते हैं एनिमेशन, सब नेक्स्ट वीडियो में पता नहीं मैं क्या बताने वाला हूँ पर कुछ अच्छा ही होगा, तो आप देखना।